Started our lecture with अल्ट्रासाउंड एंड देन मूव टू एक्सरे. अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को स्टडी किया था, विच इज द सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्ट्रासाउंड. इसको हमने कैसे डिस्कस किया था कि बेसिकली क्वार्ट्स का क्या होता है. क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है इन विच ईच सिलिकॉन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद फोर ऑक्सीजन एटम इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. और हमने कहा था कि वेन जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांसड्यूसर जो होता है, दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कुड बोथ एक्ट एज अ जनरेटर एज वेल एज अ रिसीवर फॉर द अल्ट्रासाउंड. रिसीविंग किस तरीके से होती है कि जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है टू ड्यू टू दिस डिसअलाइनमेंट, ड्यू टू दिस स्ट्रेस जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं. ड्यू टू दैट ईएमएफ इज जनरेटेड विच वुड बी रिसीव्ड बाय ईदर कंप्यूटर या सेकेंड हमारे पास क्या था, ऑसिलोस्कोप था. एंड इफ यू रिमेम्बर हमने बात की थी कि जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप होगा उसके दरम्यान जो पीक्स के दरम्यान जो टाइम डिफरेंस होगा वुड नोट दैट कि अगर ये मेरे पास इंसिडेंट वेव है और ये मेरे पास रिफ्लेक्शंस आई हैं, विद ईच बाउंड्री क्या हो रहा था हमारे पास, अटैनुएशन हो रहा था. एंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम बिटवीन दीज टू की बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके अगेंस्ट हम लोग जो है वो थिकनेस जो है ऑफ दैट सर्फेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या था उसका फॉर थिकनेस जो हमारे पास आया था उसके अंदर बिटवीन द टू वो बाउंड्रीज के अगेंस्ट जो टाइम पीरियड हमारे पास आया था उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे कि जी थिकनेस मैम, ऑफ बोन या इज इक्वल्स टू सी इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टू. सी हमारे पास क्या था, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन दैट मीडियम, ये डेल्टा टी, ये डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स हमारे पास एंड डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि वो एको वाला सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है. एट द फर्स्ट प्लेस अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस ही किस तरीके से होती थी, व्हाट वाज दैट, अल्ट्रासाउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा था हमारे पास, हाउ अल्ट्रासाउंड वाज प्रोड्यूस्ड. सबसे पहले तो ये कि अल्ट्रासाउंड होते क्या थे, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज. जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड किसकी बेसिस पे होती थी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे. उसमें हम लोग क्या करते थे, हम एक ईएमएफ उसको प्रोवाइड करते थे क्रिस्टल को, ड्यू टू विच ऑसिलेशन आती थी उसके अंदर, ऑसिलेशन ऑफ द क्रिस्टल एटम्स. एंड ड्यू टू व्हेन दैट ऑसिलेशन मैचेस द आउटपुट ईएमएफ, तो एटम्स जो थे वो ऑसिलेट करते थे विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विच वुड गिव अस फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विच फॉल्स इन द अल्ट्रासाउंड रीजन. ठीक है, यहाँ पे दोबारा रिवाइज, ट्रांसड्यूसर्स आर डिवाइसेस विच कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू साउंड एंड बैक, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फॉर्म में वो क्रिएट हो रहे थे. पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के अंदर हमारे पास किस तरीके से वो वर्कआउट करता है, कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर टाइप ऑफ इलेक्ट्रो अकूस्टिक ट्रांसड्यूसर दैट इज साउंड बेस्ड ट्रांसड्यूसर है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय सम फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल इनटू एनर्जी. द वर्ड पीजो इलेक्ट्रिक लिटरली मीन्स इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिसिटी कॉज बाय द प्रेशर. स्ट्रेस से हमने कहा था ना कि जब हम उसको प्रेस करते हैं अगेंस्ट बॉडी तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेस जो है हमें रिफ्लेक्टेड वेव्स की फॉर्म में वापस आएगा और
हम लोगों को रिजल्ट्स मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स जो हमने यहाँ प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस किया था, और फिर वहां से हम लोग थिकनेस ऑफ द मटेरियल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये यहाँ पे उन्होंने वही पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज स्ट्रेस्ड इट इंड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट गिव्स अ कंप्रेशन, सो व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पुट थ्रू द ट्रांसड्यूसर इट कॉजेस द क्रिस्टल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड मेकिंग इट वाइब्रेट, दिस वुड प्रोड्यूस द अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर हमारे पास आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू पुट द डायग्राम जहाँ पे ये आई नॉट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई टी की इक्वेशन थी। आई आर और आई टी किसको शो कर रहे हैं बच्चों? इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड वन रिफ्लेक्टेड वन एंड ट्रांसमिटेड वन। सो जो हमारे पास टोटल इंटेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी होती है इट एड्स अप टू गिव द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास, उनके सम के इक्वल हमारे पास होती है। वो डायग्राम में उसमें तो बनाने, इसमें तो अटैच करना भूल गया, बट अल्ट्रासाउंड जो इंसिडेंट होंगी अ पार्ट ऑफ विच विट गेट रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट ऑफ विच विच गेट्स ट्रांसमिटेड, एंड अगर उसका मीडियम जो है वो थिक है सो ऑब्वियसली ये उसका स्टेट विदाउट चेंज इन मीडियम आना था उससे बिलो की तरफ ट्रांसमिटेड। तो द इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू वो द बाउंड्री कुड बी ईदर एयर एंड स्किन रिकॉरडेंट टिश्यू एंड टिश्यू एंड बोन। हम लोगों ने कल उसका पूरा टेबल जो था उसको रिव्यू भी कर लिया था। द डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री एंड ट्रांजिस्टर कैन बी डिस्कवर्ड यूजिंग अ सिंपल इक्वेशन व्हिच इज 2d ओवर टी। अब ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको प्रीवियसली लिख के दिखाई थी इन टर्म्स ऑफ आई रोट इट हैज सी डेल्टा टी ओवर टू, तो ये वही इक्वेशन है इन अदर फॉर्म। कोस्टिक इम्पिडेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड। ये डेंसिटी ऑफ किसकी है? मटीरियल जिसमें वो एन हो रही है एंड ये स्पीड इन दैट मटीरियल है। आई गेस इन द लास्ट लेक्चर आई मिस्टेकनली सेट कि ये सी वुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बट आई थिंक सो मैंने करेक्शन कर दिया था कि अल्ट्रासाउंड है तो अल्ट्रासाउंड की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, मैं अल्ट्रावर्ल्ट और अल्ट्रासाउंड को मिक्सअप कर रहा था। तो ईदर इफ यू वुड रिव्यू दोज लेक्चर देन यू विल फाइंड आउट कि मैंने वहां पे सी को एज रेफर किया है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको अपने एंड के ऊपर जो है वो करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमने प्रीवियसली पढ़ा विच इज सी डेल्टा टी ओवर टू, एंड थर्ड फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये पे के ये हमारे पास ये आई आई आर ओवर आई नॉट किसको इंडिकेट कर रहा है हमारे पास? इसकी कौन, इसको क्या टर्म, इसको क्या नाम देते थे इस टर्म को हम लोग? विच टर्म इट इज कॉल्ड आई ओवर आई थिंकिंग नॉट? कोएफिशिएंट, कॉस्टिक अकूस्टिक कोएफिशिएंट, यस अकूस्टिक कोफिशिएंट यार। सो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? अल्फा से। एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कैन बी डिस्कवर्ड बाय यूजिंग एकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द बाउंड्री आई जेड टू प्लस जेड वन। यहाँ पे बाउंड्रीज भी शो की हुई है कि ये नॉर्मली हमारे पास क्या होती है बिफोर एंटरिंग द बॉडी एंड इट इज के जिस मीडियम वो इंटर हो रही है वो जेड टू के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वही डायग्राम बनी हुई है जो मैंने अभी प्रीवियसली ड्रॉ की कि इंसिडेंट इंटेंसिटी वुड बी इक्वल टू सम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और इनका रेशियो जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू कोस्टिक इम्पिडेंस अल्फा। ये थ्योरी यू कुड रीड इट फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम ईच बाउंड्री जो वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे पास उसमें क्या आएगी? अटैनुएशन आएगी एंड दैट अटैनुएशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू I is equal to I naught E to the power of minus mu naught X। यहाँ पे mu किसको शो कर रहा है हमारे पास? Attenuation coefficient। ये दिस mu। एंड विद ईच बाउंड्री हमारे पास वेव क्या होगी? एक्सपोनेंशियली क्या होगी? ड्रॉप होगी हमारे पास। दिस इज एक्स वन बाय टू, फिर टू एक्स वन बाय टू,
3x 1 by 2 and so forth and so on. बाकी जनरेशन एंड जो उसके प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड है वो मैंने आपको रिव्यू करवा दिए बच्चे. आई होप थोड़ा सा माइंड में ये पॉइंट सेटअप हुआ होगा. टू टाइप्स ऑफ स्कैन होते हैं हमारे पास, ए टाइप स्कैन एंड बी टाइप स्कैन. ए स्कैन और बी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? जो बेसिक टाइप ऑफ बी स्कैन स्कैन होता है उसको मल्टीपल ए स्कैन से बनता है. हाँ मल्टीपल ए स्कैन से बनता है. मैं उसको ऐड करना यहाँ पे भूल गया. आई वुड गो टू दैट इंडिविजुअली उसके अंदर. ठीक है, देन हमारे पास जो है आता है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे किस तरीके से होती है हमारे पास. एक्सरे के अंदर हम लोगों ने किस इफेक्ट को यूज किया था? ब्रेम स्टार्लिंग इफेक्ट को यूज किया था. ब्रेम स्टार्लिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि जब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन सडनली क्या करेंगे, डीसेलरेट करेंगे, तो वो प्रोटॉन्स एमिट करेंगे विच वुड फॉल इन द रीजन ऑफ, इन द रीजन ऑफ वॉट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? एक्सरे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम के अंदर, इसका. वो एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करेगा कि जब उनमें सडन डीसेलरेशन होगी तो दे वुड फॉल इन अ एक्सरे स्पेक्ट्रम. उनकी वेवलेंथ हम लोगों ने एएस के अंदर पढ़ी हुई है कि जो एक्सरेज होती हैं दे फॉर दे हैव अ वेवलेंथ बिटवीन -8 टू -13. ये हमारे पास डायग्राम होती है जिसके अंदर हमारे पास कैथोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. एनोड को हमने वोल्टेज बिगड़ दी होती है जो इन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट करते हैं. तो सच एस पी टारगेट मटेरियल को जब वो हिट करेंगे तो हमारे पास डीसेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वुड एमिट एन एनर्जी विच शुड फॉल इन द रीजन ऑफ एक्सरे. वो एक्सरेज जो है वो यहाँ से जो निकलेंगे उसको क्या कहते हैं? क्लोमिनेटेड एक्सरेज. हमारे पास जो है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में जो है वो आएंगी. और इस इफेक्ट को क्या नाम कहते हैं? ये डीसेलरेशन वाले इफेक्ट को ब्रेम स्टार्लिंग इफेक्ट, ब्रेकिंग रेडिएशंस इन जर्मन. मोस्ट ऑफ यूनिवर्स एमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैथोड, एक्सेलरेट विद देम विद द वोल्टेज एंड अलाउ देम टू हिट एन एनोड विच वुड एमिट एक्सरे फोटोन. दीज एक्सरे फोटॉन्स कैन बी कैटेगराइज एज ब्रेम स्टार्लिंग और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी हम कहते हैं. करेक्टरिस्टिक का टर्म क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल भी एक ग्राफ दिखाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि दे वुड प्रोड्यूस सर्टन इंटेंसिटीज जो के रिलेटेड होंगी उस टारगेट मटेरियल के साथ. तो ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी हम इनको उस बेसिस पे कहते हैं कि हमारे पास ये जो पीक्स आएंगे उनकी बेसिस के ऊपर हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किस स्पेक्ट्रम में फॉल, इसके स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टारगेट मटेरियल कौन सा था. इस वजह से उन्हें करेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी कहते हैं. ये कट ऑफ वेवलेंथ होती है हमारे पास और ये जो शार्प पीक्स आ रही है ये करेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली हमारे पास. ओके ओके देन एक जो हमारा कल का रिमेनिंग टॉपिक था दैट वाज जो हम लोगों को कवर अप करना था इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस एंड कंट्रास्ट का टॉपिक जो था वो हमारे पास रह गया था. उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्ट एक्सरेज क्या होती हैं एंड हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं. एज द नेम इंडिकेट्स आपके माइंड में थोड़ा सा एक पिक्चर जो है वो बिल्डअप हो गया होगा कि सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज क्या होती हैं हमारे पास. लो एंड हाई एनर्जी फोटॉन्स. हाँ जी, जिसके अंदर लो एंड हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं. एक मिनट होल्ड कीजिएगा. देन जो सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज हैं जब हम इसको डिस्कस करते हैं दैट बेसिकली हेल्प अस टू गेट द बेटर इमेज यूजिंग एक्सरे हमारे पास ना. तो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये कंट्रास्ट यू कुड सी हियर कि ये लाइट डमर है और यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक कंट्रास्ट आया हुआ है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस हम लोग सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज को जो है वो डिस्कस करते हैं उसके अंदर. एंड सॉफ्ट एक्सरेज होती हैं ऑब्वियसली उनकी एनर्जी ऑफ द एक्सरेज जो होंगी दैट वुड बी
So low and high energy photons are sometimes referred to as soft and hard X-ray, respectively. Hard X-rays with shorter wavelength are more penetrating. They are more desirable. पेनिट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उनके जो इमेजेस हैं वो शार्पर बिल्ड होते हैं एंड टू इंक्रीज द हार्डनेस इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। आपको ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हार्डनेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड इज इंक्रीज। सॉफ्ट एक्सरेज ऑन द अदर हैंड आर लॉन्ग वेवलेंथ आर लेस यूजफुल फॉर रेडियोग्राफी बिकॉज they are largely absorbed near the surface of the body being x-rayed. They do not contribute in making images but increases exposure. हमने जब भी x-rays को use करना होता है हमें two points को अपने mind में रखना होता है and what are those two points के जो patient है उसको minimum exposure हो। where is the black color? हमें two points को अपने mind में रखना होता है फॉर इम्प्रूविंग द एक्सरे इमेज एंड दैट इज के मिनिमम एक्सपोजर हो उसको और ये जो लॉन्ग वेवलेंथ एंड अब्सॉर्ब हो रही होती है ना ऑब्वियसली हमें इसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, मिनिमम एक्सपोजर टू सॉफ्ट एक्सरेज बिकॉज दे वुड मोस्टली बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होता है टू इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज सो दैट वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू एंड एरिया अंडर द विजन। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सॉफ्ट एक्सरेज हम लोग जो है एक फिल्टर अटैच करते हैं उसके अंदर। उस फिल्टर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या करेंगे सॉफ्ट एक्सरेज को क्या कर लेंगे अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड रेस्ट को जो है वो मतलब जो एक्चुअली यूजफुल है उनको आगे जान देंगे। और इस तरह के फिल्टर्स को कहते हैं इंटेंसिफायर स्क्रीन्स। ठीक है, जो सॉफ्ट एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेंगी और ये जो इंटेंसिफाइड स्क्रीन्स होती हैं दे कंटेन फॉस्फोरस फॉस्फोर दैट सिंटिलेटर का भी एक टर्म हम लोग आके जाके पढ़ेंगे वो जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या करते हैं लाइट एमिट करते हैं विजिबल रीजन एमिट लाइट इन विजिबल रीजन हमारे पास और इमेज को हम व्यू कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। अच्छा, बैक टू दिस। अ फिल्टर सच एज फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर मे बी यूज्ड टू हार्डन द बीम ऑफ बाय अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द लो एनर्जी फोटॉन्स। द रिमेनिंग फोटॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग एंड आर मोर यूजफुल फॉर द रेडियोग्राफी। एल्युमिनियम एंड कॉपर क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो दे कुड एब्जॉर्ब इजिली। शार्पनेस इन कंट्रास्ट शार्पनेस हमें बताता है ये अब आपको डेफिनेशंस इनकी आनी चाहिए हाउ वेल डिफाइंड द एजेस ऑफ द ऑर्गन्स आर। फॉर शार्प इमेज पैरेलल एक्सरे बीम इज रिक्वायर्ड विच कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग एरिया ऑफ द टारगेट एनोड रिड्यूसिंग साइज ऑफ द विंडो और यूज अ मेटल ब्लॉकेज टू गेट क्लोमिनेटेड बीम्स। सबसे पहले शार्पनेस क्या होती है कि हाउ वेल द एजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड शार्पर इमेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस द एरिया ऑफ द टारगेट एनोड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द विंडो और यूज अ मेटल ब्लॉकेज टू गेट द क्लोमिनेटेड सॉरी कॉलिमेटेड क्लोमिनेटेड बोली जा रहा हूं मैं तब से कॉलिमेटेड बीम्स। कंट्रास्ट हमारे पास क्या होता है अब कंट्रास्ट में हमारे पास क्या होता है अब ये आप देख सकते हैं इन दोनों इमेजेस के अंदर। ठीक है, दिस इज वट कंट्रास्ट इज अ डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ द इमेज ऑफ द ऑर्गन एज कंपेयर टू द नेबर टिश्यूज इट डिपेंड्स ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सरे। अब ये देखो आपके पास लाइटर आ रहा है ये हमारे पास डार्कर आ रहा है इसका बैकग्राउंड इज मोर ब्लैकेंड एज कंपेयर टू दिस वन। सो इस तरह के इमेजेस को क्या कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ द इमेज ऑफ द ऑर्गन एज कंपेयर टू द नेबरिंग टिश्यूज। अब ये अटेन्यूएशन की क्वेश्चन आ गई है हमारे पास वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इसका भी इफेक्ट जो है वो
डिके करेगा एक्सपोनेंशियली. एंड यहाँ पे अगेन वो वाली चीज आ गई जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला, ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ द टारगेट मटेरियल. इस वजह से एक्सरेज को करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी कहा जाता है. एंड देयर इज अ कट ऑफ मिनिमम वेवलेंथ व्हेन ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल फोटॉन, इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हमारे पास होती है. नाउ लेट मी टेक यू टू द इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी मेंशन है विच आर गुड हमारी कोर्स बुक के अंदर, के एक्सरेज लाइक आर रेडिएटेड कैन डैमेज लिविंग टिश्यूज कॉजिंग म्यूटेशन दैट कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ कैंसेरियस सेल. ये हम लोगों ने ओ लेवल्स के रेडिएशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था इफ यू रिमेंबर, कि हम लोगों ने जहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया था कि पैरेलल रेडिएशन में आर्टिफिशियल सोर्सेज भी आते हैं, उन आर्टिफिशियल सोर्सेज को हम लोगों ने क्या करना होता है, मिनिमाइज करना, क्योंकि रेडिएशन एक्सपोजर जो है इट कुड बी डैमेजिंग टू आवर लिविंग टिश्यूज दैट कुड लीड टू द कैंसेरियस सेल्स. अ रेडियोग्राफर में चूज टू रिकॉर्ड द एक्सरे इमेज ऑफ द फिल्म डिजिटली. एक्सरेज आर ओनली वीकली अब्सॉर्ब बाय फोटोग्राफिक फिल्म. सो अब अगर वो अब्सॉर्ब फोटोग्राफिक फिल्म में वीकली वो अब्सॉर्ब हो रही है, दैट मीन्स के ब्रेस्ट ऑफ द मटीरियल एक्सरेज कहाँ पे अब्सॉर्ब होंगी, सरफेस पेशेंट की बॉडी के अंदर. ठीक है, अगर वो फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर मिनिमम जा रही है तो उस वो ज्यादातर कहाँ पे स्टॉप होंगी जाके, बॉडी एंड टिश्यूज के अंदर, विच कुड बी हार्मफुल फॉर द पेशेंट. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिफायर स्क्रीन्स यूज करते हैं. दीज शीट्स आर मेड दैट कंटेन्स फॉस्फोरस सब्सटेंस दैट एमिट विजिबल लाइट्स व्हेन इट अब्सॉर्ब्स एक्सरे फोटॉन्स. द फिल्म इज सैंडविच बिटवीन टू इंटेंसिफायर स्क्रीन. ईच एक्सरे फोटॉन अब्सॉर्ब रिजल्ट इन सेवरल थाउजेंड ऑफ लाइट फोटॉन्स व्हिच देन ब्लैकन द फिल्म. दिस रिड्यूसेस द पेशेंट एक्सपोजर अप टू 100 टू 500 फैक्टर ऑफ 500. एंड डिजिटल इमेज इंटेंसिफायर्स आर आल्सो यूज्ड. द इनकमिंग एक्सरे स्ट्राइक अ फॉस्फोरस स्क्रीन प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट फोटॉन्स. देन दीज रिलीजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रॉन इमेज. ये कोलिमेटेड हमारे पास एक्सरेज आ गए. ठीक है, दोनों हमारे पास इनसाइड जो है वो वैक्यूम है. ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं विच इज फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द एक्सरेज. और यहाँ पे हमारे पास जो है इमेज पुट किया जाता है, वो स्क्रीन्स को पुट किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट. मेजर इंटेंसिफायर्स आर यूजफुल इन टेक्निक कॉल्ड फ्लोरोस्कोपी. अ कॉन्टिन्यूस एक्सरे बीम इज पास थ्रू द पेशेंट ऑन टू अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन वेयर अ रियल टाइम इमेज इज फॉर्म्ड. और कंट्रास्ट के अंदर वही वाली है. यहाँ पे बस बाकी सब कुछ वही है. यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि स्टमक के लिए अगर हमें स्टमक एरिया की इंटेस्टाइन वाले एरिया को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग कुछ सॉल्ट्स यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंट्रास्ट मीडियम इज अ सब्सटेंस सच एज आयोडीन और बेरियम विच इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज. एंड इन आवर पेशेंट्स बॉडी वो कहाँ पे फोकस करेगा, स्टमक एरिया के अंदर, इंटेस्टाइन एरिया के अंदर. सो अगर हमें उस एरिया को क्लियर करना है एज कम्पेयर टू द कंट्रास्ट बिल्ड करना है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टिश्यूज, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक बेरियम का कैप्सूल देंगे, में सोलो बेरियम कंटेनिंग लिक्विड, और हैव सिमिलर लिक्विड इंजेक्टेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द इंट्रास्ट. द टिश्यूज इज देन वुड एब्जॉर्ब द एक्सरेज बेटर और उसकी एजेस जो है वो मोर शार्पर एंड क्लियर होंगी हमारे पास. तो उनकी एब्जॉर्प्शन की वजह से हमारे पास जो है बेटर इमेजिंग जो है वहां पे क्रिएट होती है. आप इफ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था कि जो सिटी स्कैन का टॉपिक है दैट इज मेनली कि हमारे पास तो एक्सरेज ही होते हैं सिटी स्कैन के अंदर, बस उसको अगर हम लोग जो है रोटेट करें अराउंड द पेशेंट्स बॉडी तो मल्टीपल एक्सरे इमेजेस को अगर हम लोग कंबाइन करें तो दैट गिव्स अस द सिटी स्कैन. सिटी स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी. और जो एक्सरे इमेज को अगर हम लोग जो है टू डायमेंशनल में ले जाएं सो हमारे पास वो क्या बन जाता है, हमारे पास सिटी स्कैन बन जाता है. ठीक हो गया. एंड जो सिटी स्कैन है उसके हमें पता है कि पेशेंट लाइज इन अ वर्टिकल रिंग ऑफ एक्सरे डिटेक्टर. एक सर्कुलर रिंग होता है जिसके इन बिटवीन जो है वो पेशेंट को इट्स पुट अंडर दैट.
एंड एक्सरेज आर रिवॉल्व अराउंड द बॉडी, और हमारे पास एक टू डायमेंशनल इमेज जो है वो एक्सरे जो है वो बिल्डअप होता है. तो जो एक्सरे ट्यूब है दैट रोटेट अराउंड द रिंग एक्सपोजिंग द पेशेंट टू अ फैन शेप्ड बीम ऑफ एक्सरेज, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो उन एक्सरेज के अगेंस्ट जो हमारे पास आएगा कंप्यूटर कंप्यूटर डिजाइन सॉफ्टवेयर जो है उस उन एक्सरेज के अगेंस्ट जो है वो इमेज बिल्ड करेगा, और हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर उसका रियल टाइम इमेज जो है वो अवेलेबल होगा. सिटी स्कैन के अंदर हमारे पास जो है ये कि एक्सरे जो है फैन टेप फैन शेप जो एक्सरेज है वो एक्सपोज होती हैं, और वो डिटेक्टर जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द बॉडी, और हमारे पास जो है वो इमेज जो है वो बिल्ड करता है. और इसको कंप्यूटराइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली जो है वो बिल्डअप किया जाता है, और बाकी आज तक इसके अंदर कुछ फर्दर डिटेल नहीं है. ठीक है, अगर हम लोग सिटी स्कैन के बेनिफिट्स की बात करें तो जो एक्सरे होता है वो भी यूजफुल है. सिटी स्कैन के सर्टेन होते हैं कि अगर हम लोगों को थ्री डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है वो हमारे पास और डिफरेंट टिश्यूज के लिए, एंड इट कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टिश्यूज विद क्वाइट सिमिलर डेंसिटीज. एक्सरे जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर पाएगा कि अगर कोई नेबरिंग टिश्यूज हैं उनकी भी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली एक होगा तो उनके बिटवीन कंट्रास्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा, वेयर एज वी कैन अचीव दैट वेरी इजीली व्हेन इट कम्स टू सिटी स्कैन. और सिटी स्कैन जो है सिटी स्कैन जो है उसका एक फायदा हमारे पास ये भी होता है कि वो इट मेक श्योर्स के जो पेशेंट है वो मिनिमम एक्सपोज हो एक्सरे से, और जितनी भी एक्सरे उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम डोज जो है उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में, और उसके टिश्यूज जो है वो मिनिमम उस एक्सरेज को क्या करें एब्जॉर्ब करें. ठीक है, सही बाकी जो सिटी स्कैन बल्कि आई थिंक सो यही लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं. सिटी स्कैन बेसिकली ऐसा होता है कि पेशेंट इन बिटवीन होता है, ये हमारे पास रेडियल डिटेक्टर होता है जिसके अराउंड एक्सरे जो है वो क्या कर रही होती है रोटेट कर रही होती है, हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल इमेज जो है वो बिल्डअप होता है लाइक ये डोनट शेप्ड हमारे पास वो होता है, इसमें जो है एक्सरे का जो डिटेक्टर है वो रोटेट करता है अराउंड द पेशेंट्स बॉडी, और हमारे पास इस तरह के जो थ्री डायमेंशनल इमेजेस हैं वो बिल्डअप होते हैं, और वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन द नेबरिंग टिश्यूज. हम इसका एक फायदा ये भी होता है कि बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम एक ही एरिया को डिफरेंट स्लाइसेस में बिल्डअप करके उसको ब्रेक डाउन करके हम रीच कर सकते हैं टू द डेस्टिनेशन एरिया जिसको बेसिकली हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है. ये उसने स्लाइसेस ऑफ द इमेजेस शो किए हैं, बल्कि उसने यहाँ पे लिखा भी होगा सेक्शन थ्रू अहेड ऑफ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय यू कैन सी द हीमोटोमा ब्रूजिंग अराइजिंग फ्रॉम बींग स्ट्रक ऑन द साइड ऑफ द हेड दिस कॉजेस प्रेशर ऑन द ब्रेन. अब ये कलर सेंसिंग के थ्रू हम लोग उसको जो है एरियाज को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं यूजिंग अ सिटी स्कैन. अगेन आई रिपीट अगेन एंड अगेन के सिटी स्कैनर जो एक्सरे है दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल. अगर एक्सरे को अराउंड द बॉडी इन अ डोनट शेप्ड डिटेक्टर को रोटेट करेंगे देन वी विल हैव अ मतलब सिटी स्कैन हमारे पास उसके अंदर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, और सिटी स्कैन के अंदर हम एरियाज के इमेजेस को इजिली स्लाइस अप कर सकते हैं और उसको डेप्थ के अंदर जो है हम लोग अंडर स्टडी कर सकते हैं. द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, and that would put an end to our medical physics eventually. So that's it for today. Okay, the first question is to electromagnetic radiation of a single constant frequency is incident onto a metal surface. This causes electrons to be on exchange. Why maximum kinetic electrons is dependent of the intensity? Because we know that the frequency determines only
determines the, yeah, I believe it determines the energy of the photons, where intensity accounts for the number of electrons. Number of photons, sorry. Hence, kinetic energy is independent of intensity. The second part we have is to find out the energy of the incident photon. We have electron volts, we have wavelength. Okay. So एच सी और लेमडा का फॉर्मूला यूज हो सकता है. We have H as 6.6 10 raised to minus 34, C as 3 raised to power 8 divided by the wavelength, which is 215 nanometer. क्या आंसर आया इसका? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स राउंडेड ऑफ. एनर्जी क्या निकली उसके बाद, फिर हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड करके करेंगे ना हम लोग. हाँ वो मैंने कर लिया था, 1 मिनट देखता हूँ. लेट मी गेट माय कैलकुलेटर. एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी 7.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जाउल्स. इसको किससे डिवाइड करेंगे टू गेट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1.6 times 10 power minus 19. This would give us 5 electron volt. And then work function find out करना है. We know that work function is equals to, बल्कि पहले तो एक लिख देते ना, Energy is equals to work HF function plus plus carry. work function, and work function is equals to E minus HF. तो हमारे फाइव पास माइनस एनर्जी वन क्या पॉइंट फोर निकली? 5 माइनस 1.4, विच वुड बी इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटॉन्स. फोटॉन इज डिफाइंड एज द पैकेट्स ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ. उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे एनर्जी दी रही है फॉर वन गामा रेज फोटॉन्स. हमने फाइंड आउट करना, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ. सो ई इज इक्वल्स टू एच एफ एंड एफ इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा. सो लेमडा वुड बी ओके. इक्वल टू एच सी ओवर ई. एच इज 6.6 इंटू माइनस 34, सी इज 3 इंटू पावर 8 डिवाइडेड बाय ई, विच इज 0.57 इंटू 10 इंटू पावर 6. तो 1.6 times 10 power minus 19 बल्कि स्टोर करेंगे. इसको उसमें जाउज में जाने के लिए 1.6 इंटू माइनस 19 से मल्टीप्लाई भी करेंगे. वेवलेंथ क्या है? 2.2 times 10 power minus 12. -20. -12. चेक योर आंसर अगेन. 6.6 इंटू माइनस 34 टाइम्स 3 इंटू पावर 8 डिवाइडेड बाय 0.57 इंटू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19.
12 नहीं आएगा, गामा रेडिएशन से वेवलेंथ छोटी होगी। बल्कि हाँ मेरा ठीक है, माइनस 12 ही आ रहा हाँ है। सी सी माइनस 12 भी आ रहा है। मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एच ओवर वर्सेस लैम्डा के, 6.6 इंटू 10^-34 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10^-12, इज गिविंग 3 इंटू 10^-22। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 157 है, 157 टाइम्स 1.6 10^-27, 1.66 एंड सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, सी 3 × 10⁸ सी वॉट आर इज यू इक्वल्स यूजिंग। टू पी ओवर मोमेंटम इक्वल्स एमवी यूज कर सकते हैं। मोमेंटम ओवर मास बन जाएगा ना, पी ओवर मोमेंट, पी ओवर एम। पी ये हमारे तो पास है हमारे मोमेंटम क्या निकला पास था, 3 × 10^-22 डिवाइडेड बाय 157 टाइम्स 1.6 × 10^-27, दिस वुड गिव अस अ स्पीड ऑफ 1.2 × 10^3 m/s। उसने कहा है बाय रेफरेंस टू योर आंसर सी वन एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली बाय द स्पीड ऑफ स्मेरियम 157 न्यूक्लियस मे बी अज्यूम टू बी बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10^8 और फोटॉन्स को भी कह सकते हैं, एंड द स्पीड वी कैलकुलेटेड या स्पीड कैलकुलेटेड इज 1.2 × 10^3, विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट अकाउंट फॉर द क्वांटम मेडिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स।